हेलो गाइस, वेलकम टू द कटारा फैमिली। और आप सब कैसे हो? आप सब घर पे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। गाइस, आपको पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबसे पहले सभी को जय माता दी कटारे परिवार की तरफ से। और आज संडे है, तो मम्मी कहती है कि नवरात्रे के अच्छे मौके पर सीता माता मंदिर जो गुड़गांव में है वहाँ पे चलते दर्शन करके आते हैं। मम्मी का आइडिया बहुत बढ़िया लगा, तो वो फिर हम, मैं, पापा और मम्मी जा रहे हैं। पंकज अभी घर पे ही है दादी के साथ, तो वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा सीन है, भीड़ है कि नहीं है, क्या है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, मंदिर बंद थे, तो अब लॉकडाउन खुला है, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं और हम भी अब वैक्सीनेटेड हैं प्रॉपर तरीके से, तो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। चलते हैं गाइस, जब हम भादोगढ़ में पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल 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 कितना? 500 का पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्या रेट चल रहा है? 102। ये तो डेली बढ़ता ही जा रहा है। वाह मोदी जी वाह। बस मैं बैठ गई, देखो पीछे माता की। आज हम जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। शीतला माता का मंदिर गुड़गांव में ही है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, तो नवरात्रि के व्रत भी चल रहे हैं, तो अच्छे दिन हैं। तो देखो यहाँ किसान बैठे हुए हैं, अभी तक पक्का डेरा हो गया इनका। तो भादोगढ़ में ही, अपने शहर में ही, ऊपर मेट्रो पिलर है, ऊपर मेट्रो जाती है। देखो ट्रैक्टर तो नहीं है, अपने लकड़ियों को बना रखे हैं, यहीं पे रहते हैं अंदर ही, यहीं खाना बनाते हैं अपना। आगे मेट्रो स्टेशन आ गया भादोगढ़ सिटी का। पेट्रोल भरवा लिया था, अब हम यहीं फंसे पड़े हैं भादोगढ़ में ही। ये नजरगढ़ की तो जाते हैं, यहाँ भादोगढ़ में काम चल रहा है, पाइप पाइप दब रहे हैं, तो देखो कितना लंबा जाम है, जगह बिल्कुल भी नहीं है। भाई देखो, अब ये नजरगढ़ के अंदर हैं और नजरगढ़ के अंदर हमेशा जाम रहता है, पता नहीं यहाँ की समस्या का सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ये हालत, एक घंटा हो गया चले हुए घर से। हाँ, ये हालत तो तब है कि नजरगढ़ के अंदर वन वे बना रखा है, उसके बाद भी व्हीकल की कई लाइन्स हैं। अब हम छावला स्टैंड की तरफ जा रहे हैं और भादोगढ़ से चले 1 घंटा हो गया है, 15 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटे में पूरा नहीं हुआ है, और ये आज की पोजीशन नहीं है। आज से 30 साल पहले भी नजोर का यही हाल था, पता नहीं दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही, करना चाहिए इसके लिए बढ़िया। अब जाके छावला स्टैंड आया है ये, और मुझे लगता है कि यही हाल आगे गुड़गांव तक भी यही रहने वाला है। पार्किंग है क्या? वो आगे लगा है आप, है ना? नहीं, ये लिखा, ये है ना शीतला माता की कार पार्किंग, यहाँ फ्री है तो फ्री वाले में जाएंगे हम। देखिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ भी जाम लगा हुआ है, पार्किंग में एंट्री करते ही या कुछ शॉप्स हैं प्रसाद की, यहाँ बच्चों खेलने के लिए, ये बाद में देखें, पहले अपनी गाड़ी लगा देते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो अपनी कहीं ढूंढते हैं जगह। काफ़ी लोग आए, संडे भी है ना और नवरात्रे चल रहे हैं, तो सबसे काफ़ी रश है, तो देखते हैं कहीं नहीं, इधर बहुत जगह है यहाँ। तो कर दी गाड़ी हमने, यहाँ तो काफी बड़ी पार्किंग है। बोलो मैं, हाँ बहुत बढ़िया, जय माता दी, जय माता। आ गए
आज काफ़ी भीड़ है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, मम्मी मास्क भी लगा लिया। गाइस यहाँ पे हमने जूता है जूते उतार दिए, उसके बाद अपना प्रसाद यहाँ ले सकते हैं। यहाँ आपको मंदिर जाने से पहले प्रसाद मिलता है, तो आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद ले लिया? ले लिया प्रसाद? प्रसाद ले लिया। और मंदिर के अंदर हम शीतला माता मंदिर में एंट्री हो गए हैं, जिसका रास्ता बना रखा है प्रवेश द्वार, पूरा घूम घूम के। इधर पापा आ रहे हैं, दरबार की जय। मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो गाइस हम ओवरब्रिज पे हैं, ये मेन रोड है, तो ट्रैफिक है, ये ओवरब्रिज है। मतलब एंट्रेंस से मेन दरबार तक काफी लंबा रूट है, काफी सुविधा भी है, पंखे वंखे भी लगा रखे हैं, प्रॉपर गर्मी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे पानी की सुविधा भी है, यहाँ पे हाथ धो सकते हैं बीच बीच में किसी को। महाभारत में पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम था कृपी, जो कि बीमार बच्चों की सेवा करती थी, खासकर चर्म रोग जैसी बीमारी, जो तो वहां के लोगों ने इनका नाम प्यार से माता रख दिया, यानी माँ। बाद में इनके मरने के बाद यहां पर शीतला माता मंदिर की स्थापना हुई, जब से यहां दूर दूर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। यहाँ पे प्रथा है क्या सिक्के छपा? तो गाइस हम दर्शन तो कर लिए हैं, बाहर आ गए हैं। यहाँ पे अंदर जोत लगाना अलाउड नहीं है, तो बाहर लगा सकते हैं, तो बाहर लगाने आए। काफ़ी भीड़ है, तो वही है कि भगवान के दर्शन ऐसा आसान से होंगे नहीं, तो मज़ा आ गया, काफ़ी टाइम बाद आए हैं। इस पहले यहीं पे अपना माता का दरबार था, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2015 में वहाँ पे शिफ्ट हो गए, जहाँ पे दर्शन करे हमने, वो टेम्परेरी है, फिर बाद में मूर्ति यहाँ पे जब रेडी हो जाएगी ना, तो उसके तीन के पीछे काम चल रहा है, इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। तो टेम्परेरी वो माता की मूर्ति वो अंदर रखी है। तो गाइस यहाँ पे जय काली माँ का है, पापा जा रहे हैं। काली 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 माई काली माई भजन जाए काली। मेरी तमन्ना ही पूरी करेगा बाबा, सुख मिल जाए। तो
होता है जहाँ मिट्टी छाटने की प्रथा है। ये चिड़िया भी, चिड़िया का बच्चा चूजा, ये मिट्टी छाट रहा है। यासु भी मिट्टी छाट रहा है। यह शीतला माता के मंदिर में ही प्रथा है, दर्शन करने के बाद पूरे परिवार के सदस्यों के नाम की मिट्टी छाट जाती है। यासु ने शुभ काम कर दिया है। जय माता दी। दर्शन तो कर लिए, इसके बाद ये शनिदेव भैरव बंदे हनुमान जी शनिदेव बार बना रखे हैं। तो यहाँ भी काफी भक्त आ रखे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से एंट्री थी, यहाँ तो काफी अभी भी कितनी भीड़ हो चुकी है। दर्शन करके अब यहाँ से अब एग्जिट है। पापा आ गए तो दर्शन कर ले, कैसा लगा आपको आज? बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आया। मिट्टी पर अच्छे दर्शन हो गए। हां, जय माता दी, जय माता दी, शीतला माता की। कितने टाइम बाद आई यहाँ पे? दो साल हो गए। कोरोना कारण लोग आ नहीं पाए, तो कोरोना खुलती तो कितनी भीड़ है, पर अब मन तो हमेशा करता है यहाँ आने के लिए। बहुत बढ़िया, अच्छे से दर्शन हो गए, सारे दर्शन कर लिए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। भीड़ थी पर अच्छे नंबर आ गया, बढ़िया हो गया। अब आप सी अब जा रहे हैं घर की तरफ।